अल्लाह ताला अपने से नाराज़ हो गए, नाराज़ हुआ है अपने से, ऐसी कोई गलती हो गई आप काम से। क्योंकि ऐसा था पहले, ऐसे मुमरा के अंदर, मैं हर बॉम्बे बता रहा हूँ, पैर रखने जगह नहीं होती थी। मगरिब की नमाज़ के बाद ऐसी पब्लिक आ जाती थी, आज नहीं। ये तो अल्लाह ताला की नाराज़ है। मतलब तो अल्लाह ताला तो किसी का रिस्क नहीं बंद किया, रोजी रोटी तो अपन खा रहे, कुछ भी कर रहे, मगर अल्लाह ने अपना घर बंद कर दिया। इस वक्त मौजूद हैं हम दरगाह के खादिम मंजूर अली पठान के साथ में। हर साल जिस तरह से भीड़ रहा करती थी बाबा फखरुद्दीन शाह सरकार के दरबार में, उस साल ऐसी भीड़ नहीं है। क्या कहेंगे मंजूर भाई, जो मजमा रहता था, मेला रहता था, ऐसा रहता था शब बारात में कि यहाँ पे कदम रखने को जगह नहीं होती थी। वो रोशनी, वो रौनक कहाँ गई, वो रौनक क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलूँ सबसे अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा अपना, अल्लाह ताला अपने से नाराज़ हो गए, नाराज़ हुआ है अपने से, ऐसी कोई गलती हो गई आप काम से। क्योंकि ऐसा था पहले, ऐसे मुमरा के अंदर, मैं हर बॉम्बे बता रहा हूँ, पैर रखने जगह नहीं होती थी। मगरिब की नमाज़ के बाद ऐसी पब्लिक आ जाती थी, आज नहीं। ये तो अल्लाह ताला की नाराज़ है। मतलब तो अल्लाह ताला तो किसी का रिस्क नहीं बंद किया, रोजी रोटी तो अपन खा रहे, कुछ भी कर रहे, मगर अल्लाह ने अपना घर बंद कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ है अपना घर बंद कर दिया। मैं ये सारा अल्लाह पब्लिक से और मुसलमान भाई लोग से सबसे ये दुआ कर रहा हूँ, अपने दुआ करो, नमाज़ अपने घर पे पढ़ो, नमाज़ पढ़ के अपने घर पे दुआ करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। ये चीज़ ने जो बीमारी चल रही है ये सब सही, और जो गवर्नमेंट पुलिस भी जो है मदद कर रही है, म्यूनसिपैलिटी भी मदद कर रही है। मतलब मदद क्या कर रही है, मतलब ये पब्लिक क्यों ये कर रही है, उनके लिए कर रही है ना, तो अपने अपने लिए सेफ्टी के लिए कर, उनके खुद के लिए नहीं कर रही है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आवाम को, सबको ये बोलना चाह रहा हूँ, हर चीज़ के लिए अब ये घर से मत निकलो, अपने घर पे रहो। इतना जल्दी बंद हो जाएगा तो इतना अच्छा, अपना बाजार है, मार्केट है, चालू आपके कारोबार चालू हो जाएंगे। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। और एक बात बोलूँ, ये एक दरगाह थी सैन साहिब मुमरा ना, पब्लिक ऐसी आती थी, लंगर चालू हो जाती थी मगरिब के बाद, चाय वगैरह होती थी। आज देखो पूरा खाना ऐसा लग रहा, सुमसान कब्रिस्तान हो गया। मैं ये पब्लिक से ये बोलूँगा, बस दुआ करो, बस अल्लाह का घर। बहुत अफसोस हो रहा है, दरगाह के वली के दरगाह बंद हो गए, आज दरगाह के अंदर नहीं जा सकते, मस्जिदों में नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा, ये तो अल्लाह नाराज़ है। वही बताना चाह रहा मैं, बस आप पब्लिक से ये चाहता हूँ, बस दुआ करो, रो रो के दुआ करो अल्लाह से, बस अब हमारी गुनाहें माफ़ हो जाए। बस अल्लाह करो हमारे से जो गलती, अल्लाह अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। बस अस्सलाम वालेकुम।